तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एलिस कपलिंग, मोस्ट एमपी टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जितने भी वीडियोस हैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, प्लेलिस्ट में आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम एलिस कपलिंग देखने वाले हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चन, थ्योरी पार्ट भी देखेंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसे निकालना बताऊंगी। खास करके हम लोग डी कन्फिग्रेशन के लिए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो आई थिंक वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और उसमें आप लोगों ने एल और एस का मतलब जरूर समझा हुआ है। हम लोगों ने एल और एस का वैल्यू भी, बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह भी हम लोगों ने देखा हुआ था, बट फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहती हूँ। तो एल का मतलब क्या होता है? परिणामी कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम अंग, के जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एस का मतलब यहाँ पे होता है परिणामी चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम अंक, जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यहाँ तो चलिए हम इसे एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने कोई एटम लिया हुआ है, एटम के बीच में आपको पता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कोई ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो अगर ऑर्बिटल के लिए हम देखें तो ये आपका एल होगा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब बारी आती है एस की, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो स्पिन चक्रण मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में तो रोटेट होते ही है, साथ में अपने जगह पे भी ये क्या होते हैं, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये चक्रण करते रहते हैं, जिसे हम लोग स्पिन कहते हैं। तो यही है आपका एल और एस। अगर आप इसे और भी डिटेल में समझना चाहते हो एल और एस को, तो आप लोग जो मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बताया हुआ था चुंबकीय आघूर्ण, वो वाला वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए अब हम एलएस कपलिंग का मेन डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो अपनी जानकारी के लिए, बट नोट्स में इसे इंक्लूड करना उतना नेसेसरी नहीं है। डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कीजिए डेफिनेशन लिखना। एल तथा एस का चुंबकीय प्रभाव भी आपस में अन्योन क्रिया करता है। चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज हुआ है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब रोटेट करते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल में रोटेट करें या फिर अपने जगह पे रोटेट करें, वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न। तो उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल तथा एस का चुंबकीय प्रभाव भी आपस में इंट्रैक्शन करता है, मतलब आपस में अन्योन क्रिया करते हैं। यह इंट्रैक्शन ही एलएस कपलिंग या फिर रसेल सोंडरस युग्मन कहलाता है। तो ये जो रसेल सोंडरस कपलिंग है, इसे हम लोग आरएस कपलिंग भी कहते हैं और एलएस कपलिंग भी कहते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में आरएस कपलिंग एलएस कपलिंग आता है तो आपको इसका यही आंसर लिखना होगा। तो डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए। एल तथा एस का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या फिर चुंबकीय प्रभाव है, वो भी आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं या फिर अन्योन क्रिया करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे बताऊंगी, अगर हम एल प्लस एस करें एल माइनस एस करें तो उसका कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए। अब चलिए सबसे पहले हम एल का वैल्यू निकालना देखते हैं। तो एल का मतलब आप समझ गए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसका L का वैल्यू क्या होता है, अगर आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, आप लोगों को याद होगा L का मतलब देखिए 0, 1, 2, 3, मतलब 0 के लिए हम S लिखेंगे, 1 के लिए P लिखेंगे, 2 के लिए D लिखेंगे और 3 के लिए F लिखेंगे। तो आखिर ये क्या है, ये क्या है? इसके ऑर्बिट का नेम है, मतलब ऑर्बिटल का नेम है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिटल जिसको हम लोग एस ऑर्बिटल बोलते हैं, देन उसके बाद वाला जो कक्षक होता है ऑर्बिटल होता है उसको पी, देन डी, देन एफ। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखे हैं। अगर 0 आता है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, 1 आता है मतलब यहाँ पर पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, 2 आता है मतलब डी ऑर्बिटल की, और 3 आता है तो एफ ऑर्बिटल की यहाँ पर बात हो रही है। तो आगे ये सब चीज आपके काम आएगा इसी टॉपिक में, तो इसे आप लोग याद कर लो। 0 के लिए एस लिखोगे, 1 के लिए पी लिखोगे, 2 के लिए डी लिखोगे और 3 के लिए एफ लिखोगे। तो एल का वैल्यू आप समझ गए। अब चलिए मैं आप लोगों को एस का वैल्यू बताती हूँ। तो S मतलब आप समझ गए स्पिन क्वांटम नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो चक्रण क्वांटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में तो रोटेट करते हैं बट अपने जगह पर भी ये क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप लिखते हो ऑर्बिटल में जैसे कोई दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में जैसे कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आप किस तरीके से लिखते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग हाफ लिखेंगे, प्लस हाफ लिखेंगे,
अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो उसका वैल्यू हम लोग माइनस हाफ लिखेंगे, मतलब प्लस वन अपॉन टू और माइनस वन अपॉन टू, ये आप लोग समझ गए। तो आप लोग यहाँ पे प्लस वन अपॉन टू कैसे लिखोगे, आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ रोटेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, ये आप समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं एल एस कपलिंग, मतलब एल प्लस एस। तो एल का वैल्यू और एस का वैल्यू को अगर हम लोग एड कर दें, एल प्लस एस, तो कितना आएगा, मान लो हमारा एल का वैल्यू टू आया है, यहाँ पे मैं बताई थी ना जीरो वन टू थ्री, मान लीजिए एल का वैल्यू टू आया है और एस का वैल्यू वन आया है, मतलब हम लोग मान लेते हैं एल प्लस एस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। बस ऐसी जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एल माइनस एस अगर होगा तो टू माइनस वन, हालांकि जो भी वैल्यू वगैरह रहेगा तो वो तो आप प्लस माइनस करोगे, बट ये वन टू जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आगे आप इसे जो है वो समझ सको। तो ये जो L प्लस एस ये क्या होगा, ये J का वैल्यू, जो भी ये वैल्यू आएगा वो J का वैल्यू होगा। J मतलब होता है संपूर्ण कोणीय क्वांटम संख्या, मतलब अगर हम लोग L और S को मिला दें और उसके बाद उसका वैल्यू निकाले तो वो J के वैल्यू के बराबर होगा, और मल्टीप्लिसिटी का भी ये वैल्यू है। तो पूरा आप लोग समझ गए वैल्यू वगैरह। अब मैं आप लोगों को कॉलम के थ्रू बताती हूँ कैसे कैसे आपको करना है। क्या क्या बताई मैं अभी तक से, एल का वैल्यू बताई जीरो वन टू थ्री एसपीडीएफ, और एस का वैल्यू हाफ और माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये आप समझ गए। अब चलिए एल एस कपलिंग हम लोग देखते हैं डी विन्यास के लिए। तो एल का वैल्यू सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ डी विन्यास के लिए, अगर आपको निकालना होगा तो मान लीजिए डीएन कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया एग्जाम में, जैसे कि डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, तो आपको पता है कि डी में कितने कक्षक होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल फाइव ऑर्बिटल होते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। अब यहाँ पे D1 लिखा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फील हो रहा है, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में फील हो रहा है, ये आप समझ गए। अब हमको केवल इसे ही देख करके, D1 को ही देख करके हमको L का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे पांच ऑर्बिटल है आपको अच्छे से पता है, तो जो बीच का जो होगा उसको हम लोग जीरो लिखेंगे, जीरो के इस तरफ वाला होगा मतलब राइट हैंड साइड वाला होगा उसको माइनस वन और इसको माइनस टू, और ये वाला जो होगा उसको प्लस वन और ये वाला होगा उसको प्लस टू। अगर यहाँ पे पी ऑर्बिटल भी रहता तो उसके लिए भी हम लोग सेम यही करते। तो पी ऑर्बिटल में कितने, तीन पार्ट होते हैं, तो ये माइनस टू और प्लस टू हट जाता, केवल क्या रहता, प्लस वन जीरो और माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पांच ऑर्बिटल यहाँ पे बनाना जरूरी है, ये समझ गए आप लोग। मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे फील कर दिए। अब हम लोग एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, प्लस टू, प्लस टू नंबर पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू, और टू के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, टू के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, डी होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू डी। तो डी वन कन्फिग्रेशन के लिए एल का वैल्यू क्या आया, टू डी, समझ गए आप लोग। अब चलिए D2 के लिए बताती हूँ, D2 के लिए मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, किसमें किसमें फील होगा, प्लस टू प्लस वन, देखिए यहाँ पे ही फील करेंगे, अब शुरू को ही छोड़ करके हम लोग यहाँ तो लास्ट में नहीं भरेंगे, अब इलेक्ट्रॉन तो लाइन से ही भरते जाते हैं ना ऑर्बिटल में, तो D2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील हो गए प्लस टू प्लस वन में। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे प्लस टू है प्लस वन है, प्लस टू को तो हम लोग लिख दिए थे, अब इसको क्या करेंगे, तो प्लस टू और प्लस वन कितना होता है, थ्री, तो क्या लिख दोगे, थ्री, और थ्री के लिए L का वैल्यू कितना आता है, F, तो क्या लिख दोगे, F, 3F, समझ गए आप लोग। D3 के लिए आप लोग निकाल लोगे, तीन और तीन इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, तीनों इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दो तीनों को, आंसर तीन ही आएगा, तीन के लिए F, L का वैल्यू F होता है 3F। D4 का निकाल लो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है वो फिल कर दो, और देखो यहाँ पे आप टू प्लस वन थ्री होता है और थ्री में माइनस वन करेंगे तो टू आता है, तो टू डी, तो डी फोर का क्या हो गया, टू डी आ गया। तो एल का वैल्यू आप निकालना सीख गए, हालांकि डी से लेकर के मैं पूरा टेन तक का आप लोगों को फोटो भेज दूंगी, मतलब इमेज यहाँ पे लास्ट में वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सको। हालांकि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, अगर मैं पूरा पी का भी बताऊं डी का भी बताऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए जो एक छोटा सा ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बाकी आप लोग इमेज देख करके पूरा आप लोग देख लेना कैसे है। तो एल का वैल्यू आप लोग निकालना सीख गए, कैसे आपको निकालना है, कैसे ऑर्बिटल में इसको भरोगे तो कितना आपको इसमें अंक देना है और कैसे जोड़ना है, एल का वैल्यू निकला।
अब L का वैल्यू तो हमारा निकल गया, क्या बचा है? S का वैल्यू निकालना है हमको और J का वैल्यू भी निकालना है, तो चलो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। S तथा J का वैल्यू, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सेम इसी चीज के लिए करेंगे डीएन विन्यास। तो मान लो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो एन का वैल्यू वन हो जाएगा आपका, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो एन का वैल्यू, यहाँ पे मैं कॉलम बनाई हूँ, तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। d2 है तो 2 हो जाएगा, d3 है तो 3 हो जाएगा और d5 है तो 5 हो जाएगा। ऐसे आपको n का वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो n का वैल्यू आप निकाल लोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग आप n का वैल्यू निकाल लेना। अब बारी आता है s का वैल्यू कैसे निकाले। तो s का वैल्यू निकालने के लिए s इक्वल होता है n अपॉन 2। तो जो n का वैल्यू होगा उसको आप लोग यहां रखोगे, अपॉन 2 कर देना। मान लो d1 के लिए n का वैल्यू 1 आया है, तो s के लिए क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? तो s के लिए जो d1 का वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? मान लो यहां पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल 1। तो इस तरीके से आप s का वैल्यू पूरा निकाल लोगे। कोई दिक्कत है इसमें s का वैल्यू निकालने में? ये हुआ। अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी बताती हूँ, बहुलकता जिसे हम लोग कहते हैं, बहुकता सॉरी। तो इसमें 2s प्लस 1, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और s का वैल्यू कितना आया है d1 के लिए 1 अपॉन 2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो आंसर इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। उसी तरह ये सब के लिए भी निकाल लेना। अगर d2 के लिए s का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे 2s मल्टीप्लिसिटी, ये निकला आपका। अब हम लोग l का वैल्यू देखते हैं। l का वैल्यू तो हम लोग पहले से ही निकाल लिए हैं, ये 2d 3d ये सब, तो l का वैल्यू मैंने बताया ही आप लोग कैसे निकालना है, तो l का वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग j का वैल्यू निकालेंगे, j के विभिन्न मान। तो j का वैल्यू निकालने के लिए मैं आप लोगों को क्या बताई थी, l प्लस s करना है, l माइनस s करना है। देखो इस तरीके से j का वैल्यू निकालना होगा, तो l और s को आप जोड़ देना। तो l और s यहाँ पे मान लो d1 के लिए l का वैल्यू 2 आया है और s का वैल्यू हाफ आया है ना, तो 2 प्लस हाफ कर देना, आंसर 5 अपॉन 2, l माइनस s करोगे तो 3 अपॉन 2। तो देखो इस तरीके से j का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो j के विभिन्न मान निकलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू निकलेंगे जे के। तो गाइस देखो इसको थोड़ा सा आप लोग याद भी कर लेना, क्योंकि कई बार मतलब ये तो पूरा सेम ही रहेगा, अगर 3f है तो इसका वैल्यू जो है वो 4, 3, 2 होगा, ये पूरा सेम रहेगा, थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लेना। बट जो जे के विभिन्न मान है वो उसको इसी तरीके से निकालते हैं, एस प्लस एस और एल माइनस एस करके ही निकालते हैं, ये आप जान गए। अब हम लोग को कई संभावित पद निकालना है, तो कई संभावित पद निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लिसिटी का नंबर देखोगे, 2 है तो d, क्योंकि d आया ना, ये l का वैल्यू d आया है, तो d 2 स्क्वायर कर देना और जो भी आया है j का विभिन्न मान उसको नीचे रख देना, f अपॉन s अपॉन सॉरी 5 अपॉन 2 3 अपॉन 2। इस तरीके से कई संभावित पद इसको आप देख देख के निकाल लेना। तो ये है गाइस ls कपलिंग। s का वैल्यू मैं आप लोगों को l का वैल्यू भी निकालना बता दी, s का वैल्यू भी निकालना बता दी और j का वैल्यू भी निकालना बता दी। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी का अनसॉल्व पेपर जो रहता है, क्वेश्चन पेपर, वो थोड़ा सा चेक करना होगा कि ये क्वेश्चन उन लोग मतलब आपके यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पूछ रहे हैं। अब जहां से जिस यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूं वहां पर तो ये पूछते हैं आपको, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा जैसे कि क्रोमियम मैग्नीज, उसका आप लोगों को पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद डी में जितना आता है फिर ये सब आपको करना पड़ेगा। बट कई बार ऐसा ही पूछते हैं कि एलएस कपलिंग से आप क्या समझते हो, इसके कई संभावित पदों का जो भी मान है उसको आप लोग निकाल के बताइए। तो ऐसे आप लोगों को निकाल के बताना पड़ेगा, ऐसे भी पूछते हैं, मतलब दो तरीके से पूछते हैं एलएस कपलिंग को। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप लोग अनसॉल्व में देखो किस तरीके से पूछे हैं, क्या क्या पूछे हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये जो चीज है एलएस कपलिंग, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक, आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।